हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं आपके इंडियन नेवी डबल SSR एंड डबल AK एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में जाना 6 टॉप स्टेट का कट ऑफ कि आखिरकार क्या जा सकता है इस साल का। दोस्तों हम यहाँ पर फिर से अगले राज्यों का कट ऑफ कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और आ रही हो वीडियो पसंद तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों शेयर अवश्य से अवश्य करें, क्योंकि आपके जैसे फैंस हमारे भी दोस्त बन सकें। और फैंस आप लोगों के लिए गुड न्यूज और खुशखबरी, क्या PDF है, यदि आप नेक्स्ट बैच की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज है। क्या दोस्तों कि इंदौर की बेस्ट कोचिंग, आपका जो UR एग्जाम स्टडी है दोस्तों, यहाँ के टीचर ने आपकी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर दी हैं। फ्रेंड्स अभी तक हम लोग यहाँ पर ऑफलाइन ही पढ़ाई करते थे, लेकिन अब आप लोगों का यहाँ पर हर एक चीज देखने के बाद फ्रेंड्स हमने सोचा है कि अब आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी देना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमारे यहाँ का लाभ ले सकें और सिलेक्शन डन कर सकें। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहें और हर एक चीज से आप अपडेट रहें। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और हर एक चीज को देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं आपके इंडियन नेवी डबल SSR एंड डबल AK एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। फ्रेंड्स इससे पहले कि हम देखें किसका, वेस्ट बंगाल और आपके असम का, तो दोस्तों हमको लास्ट ईयर का भी देख लेना चाहिए। फ्रेंड्स आपको बता दें, आपकी बात करें वेस्ट बंगाल की, तो लास्ट ईयर के यहाँ का कट ऑफ रहा था कितना? जी हाँ दोस्तों, आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ था करीबन 25 कितना? जी हाँ दोस्तों, आपका था 25.25, ये आपका लगभग यहाँ पे था आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ। और बात करते हैं आपके असम की, तो दोस्तों असम का आपका था कितना? 17। आपके वेस्ट बंगाल का 25.25 और आपके असम का 17, है ना। तो फ्रेंड्स बात करते हैं एतु है सर लास्ट ईयर का कट ऑफ अभी प्रेजेंट टाइम में कितना जा सकता है हमारे यहाँ का कट ऑफ। तो दोस्तों आपको बता दें, आपके यहाँ का कट ऑफ लास्ट ईयर की अपेक्षा तो कम ही जाने वाला है। रीजन पेपर का डिफिकल्टी लेवल और आपकी अटेंडेंस का लेवल, इन सभी रीजन बस आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। तो फ्रेंड्स कितना जाने वाला है, तो दोस्तों आपको बता दें, आप यदि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पर डबल SSR एंड डबल AK कट ऑफ करीबन ऑलमोस्ट जाने वाला है कितना? जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ का जाने वाला है करीबन 23.75। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका इतने स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल 101% नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। अब बात करते हैं सर, हम असम से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ का कट ऑफ कितना जा सकता है? तो डियर फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आप असम से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ का कट ऑफ जाएगा करीबन 15 कितना? जी हाँ दोस्तों, आपका 25। यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है, इतने आपने गेन किया है, तो आप भी नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें, आपके फिजिकल की तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, इतने में आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे जाना वेस्ट बंगाल का कट ऑफ कितना रह सकता है, असम का कट ऑफ कितना रह सकता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले राज्यों का कट ऑफ। हाँ जी फ्रेंड्स, आप आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं आपके किसकी, आपके स्टेट पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश की। तो दोस्तों यदि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं और हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इससे पहले कि दोस्तों हम यहाँ का कट ऑफ डिस्कस करें, हम जान लेते हैं कि लास्ट ईयर में यहाँ का कट ऑफ कितना गया था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, लास्ट ईयर में आपके यहाँ का पंजाब का कट ऑफ गया था करीबन 25। जी हाँ दोस्तों, 25 आपके यहाँ का कट ऑफ गया था, कब का? लास्ट ईयर का। तो दोस्तों आप बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का कितना गया था, तो फ्रेंड्स आपके हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ गया था कितना? जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ का कट ऑफ गया था 39, कब का? लास्ट या लास्ट टाइम का। ओके फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ पे जाना कि हिमाचल प्रदेश और आपके पंजाब का 39 एंड 25 गया था। अब सर इस टाइम क्या जा सकता है, इस बार का कितना जा सकता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आपने इंडियन नेवी डबल SSR एंड डबल AK में मार्क्स गेन किया है पंजाब स्टेट से कितने? जी हाँ दोस्तों, आपने करीबन मार्क्स गेन किए हैं आपके 23.75। तो दोस्तों आपके यहाँ पर सिलेक्शन बिल्कुल डन होने वाला है, यदि आपने इतना स्कोर गेन किया है तब। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो
तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी आपके मार्क्स होने चाहिए कितने, करीबन दोस्तों आपके मार्क्स होने चाहिए यहाँ पर 35। जी हाँ दोस्तों, इतने मार्क्स होना अनिवार्य है, इतने से कम की आशा कम है। ओके, यदि आपके 35 के समथिंग मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर डन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे जाना, हमने डिस्कस किया आपके किसका, पंजाब का, हमने डिस्कस किया आपके हिमाचल प्रदेश का, हमने आपके आसाम का भी डिस्कस कर लिया, आपके वेस्ट बंगाल का भी डिस्कस कर लिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्टेट का। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके अगले राज्य कौन कौन से हैं। आपका आता है एमपी, मध्य प्रदेश और आता है क्या, राजस्थान। तो फ्रेंड्स, यदि आप एमपी और राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो इस टाइम का आपका कट ऑफ किया जा सकता है, चलिए वो देख लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले लास्ट ईयर का कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, बात करें एमपी का लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, तो फ्रेंड्स आपको बता दें एमपी का था 34। आपका 34 मार्क्स आपका एमपी का कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर का। अब बात करते हैं सर राजस्थान का कितना रहा था, तो सर आपका बता दें यहाँ पर राजस्थान का रहा था 54। जी हाँ दोस्तों, एमपी का 34 और आपके राजस्थान का 54, ये तो था लास्ट ईयर का। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कितना जा सकता है कट ऑफ, तो फ्रेंड्स आपको बता दें आपके यहाँ पर आपका कट ऑफ जा सकता है एमपी का कितना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने मार्क्स गेन की है कितनी, 29.25 मार्क्स यदि आपके याद आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन को डन समझ लें, आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है इस साल का कट ऑफ, है ना, आपके मध्य प्रदेश से। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं दोस्तों किसका, राजस्थान का। तो फ्रेंड्स बात करते हैं राजस्थान की, तो दोस्तों यदि आप मार्क्स गेन कर रहे हैं कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आप मार्क्स ला रहे हैं करीबन आपके 53 से लेकर 54 के बीच ही। जी हाँ दोस्तों, चूंकि यहाँ पर ये राजस्थान है, राजस्थान का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। जी दोस्तों, आप लास्ट ईयर का उठा के देख लेना, किसी भी आपके स्टेट का सबसे ज्यादा यदि कट ऑफ देखने को मिलेगा तो आपको उसका नाम है राजस्थान। यहाँ का कट ऑफ दोस्तों बहुत ज्यादा जाता है, चाहे फिर वो आपका डबल एसआर हो या फिर आपका डबल ए हो या फिर अदर कोई भी आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, यहाँ तक कि आर्मी, यहाँ पर हर एक चीज का कट ऑफ हाई ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके राजस्थान में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, इसलिए फ्रेंड्स यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स करीबन 53 से लेकर 54 के बीच होना अनिवार्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं अगले राज्यों को। तो हाँ जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके राज्य महाराष्ट्र की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर हमारे महाराष्ट्र का कट ऑफ क्या जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, बार बार नहीं बोलूंगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बड़ी मेहनत लगती है सारे एनालिसिस करने में। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स बता दें महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र का लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था। फ्रेंड्स आपके महाराष्ट्र का लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था कितना, 25.25। जी हाँ दोस्तों, आपका 25.25 रहा था लास्ट ईयर का कट ऑफ, कहाँ का, महाराष्ट्र का। अब सर ये तो हुआ लास्ट ईयर का कट ऑफ, लेकिन इस टाइम का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो दोस्तों आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको मार्क्स करीबन लाने होंगे कितने, जी हाँ दोस्तों, आपको मार्क्स लाने होंगे करीबन 24.75 के समथिंग। जी हाँ दोस्तों, इतना स्कोर आपका आ रहा है तो बिल्कुल विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन भी 100% होने वाला है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने हर एक चीज़ का एनालिसिस करके है कट ऑफ निकाला है, यदि आपका इतना आ रहा है 24.75 के समथिंग, तो हाँ आपका चांस पूरा पूरा बन रहा है। आप फिजिकल की तैयारी अभी से कंटिन्यू कर दें, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट तो फिजिकल से ही आउट हो जाते हैं। आपको पता होगा करीबन 8000 या 8000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, किस लिए, आपके फिजिकल में बुलाया जाएगा करीबन 8000 कैंडिडेट को। ओके, तो दोस्तों 8000 को बुलाया जाएगा, तो 8000 तो सिलेक्ट होने से रहे, आपको पता है कितने सिलेक्ट होने हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों वो सारे कैंडिडेट वापस लौट कर आएंगे, तो फ्रेंड्स फिजिकल की तैयारी अभी से करें यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो, ताकि आपको लौटना ना पड़े, है ना फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स यही बोलना चाहूंगा कि फिजिकल की तैयारी में लग रहे हैं, आपका चांस जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो की लेंथ फिर से हो रही है ज्यादा, हम नेक्स्ट पार्ट में फिर कवर कर लेंगे, क्योंकि आपके पूरे स्टेट का कवर करना है।
मैंने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा दी आपके करीबन 6 राज्यों का, यहाँ पर भी मैंने कवर करा दी आपके करीबन 7 राज्य। तो दोस्तों आपके यहाँ पर करीबन 6 से 12 और 13 स्टेट तो आपके जे हो जाते हैं। अब जितने भी आपके स्टेट हैं तो वो दोस्तों आपको थर्ड पार्ट में मिल जाएंगे देखने को। आप उस वीडियो को इसी वीडियो के कॉर्नर में भी देख सकते हैं, या फिर लास्ट में आप आएंगे तो आपको वहां पर स्क्रीन मिल जाएगी, एंड स्क्रीन, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए दोस्तों चैनल पे नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करते जाएं। जय हिंद, जय भारत।